हाँ हाँ लगा रहा हूँ लगा रहा हूँ सर, लगा रहा हूँ, मना तो कर ही नहीं रहा आपको सर। ऐसा मत करो सर, आप लाइसेंस रख रहे हो मेरा, और सब्जी मंडी थाने से लेकर आना पड़ेगा 45 डेज बाद। अब 45 डेज तक मैं स्कूटी नहीं चला सकता। अच्छा पर्ची दिखा दूँ? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, यहाँ से ट्रैफिक आया, वहाँ से ट्रैफिक आया, तो मेरे को रेड लाइट दिखी नहीं। हे गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं चैनल आपका अर्जुन और मैं हूँ आपका अर्जुन। तो गाइस थोड़ी दिक्कत हो चुकी है, अभी भाई को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, आप वो क्लिप देखो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ा मेरे को डाउट ये आ रहा था यार कि एयर फिल्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन जब बाद में मैंने इसके थ्रॉटल को देखा ना, वो बिल्कुल ही फ्री हो रखा था, क्योंकि बीच में उसकी वायर अटक गई थी। लगा रहा हूँ सर, हाँ हाँ लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ सर, लगा रहा हूँ, मना तो कर ही नहीं रहा आपको। क्या दिखाऊं? हाँ लो देख लो लाइसेंस, ये लीजिए। चालू है सर, इसकी रिकॉर्डिंग काट कर दिया आपको, इसकी रिकॉर्डिंग निकाल लो, रेड लाइट में निकल गए होगे, देख लो चेक कर लो एक बार। नहीं थी सर रेड थी, गलती थी, थी 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 निकाल, नहीं नहीं सही है, मेरी गलती है, मैं मान गया। हाँ जी सर, हाँ हाँ हुई है, हुई दोनों तरफ से ऐसा ट्रैफिक आया ना, तो मेरे को अपनी गाड़ी रोकने की हो गई थी और रेड लाइट वो दिखी नहीं। सर अपने हैं 2000 सर, ऐसा मत करो सर। हाँ जी दिखाते लोगों को, गाइड करते हैं। मैं इसको, मैं मैकलॉडगंज होता है ना हिमाचल में 500 किलोमीटर, तो वो मैं स्कूटी से गया हूँ, अभी नैनीताल से स्कूटी से होकर आऊँ, तो यही दिखा दूँ थोड़ा ट्रैवल का। हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा सर, पता है क्या लोग थोड़े ना बोलना नहीं चाहिए आप लोगों के सामने, थोड़ा डरते हैं आपसे और थोड़ा ना बोलते कि गलत एलिगेशंस लगाते, तो मैं तो जो सच्चा सच दिखाऊंगा। हाँ नहीं सही बात है बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ गलत हुआ ही नहीं साथ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, सही बात है सही बात है, मैंने आपको आराम से बोल दिया, हाँ मेरे को दिक्कत है, मैंने रेड लाइट जंप करी, बात खत्म। सर ये मैंने कुल मिला के लगाया 20,000 रुपये का, हाँ ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप उसमें ना YouTube पे ऐड आती है, तो ऐड आएगी ना उससे आपको रिवेन्यू आता है। मतलब अगर आपको ये, मतलब चक्कर मेरा क्या है, अगर आप वीडियो बना रहे हो लोग उसको देखेंगे, हाँ 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 के अंदर वो ऐड आएगी उसका पैसा, हाँ उसका पैसा होगा बस। अब सर आप थोड़ा मेरे को बता दो कि कैसे करना है। हाँ मैं साइन कर देता हूँ, किधर करना? ठीक ठीक ठीक, एक सेकेंड। किस पे? ठीक ठीक कितने का चलान हुआ सर ये? हाँ आप बता दो सर मेरे को। एक हजार रुपए का। और सर ये कहाँ पे करना होगा मेरे को? ऑनलाइन कर दूँ? और ये जो स्लिप है, स्लिप से कुछ नहीं करना? स्लिप से भी तो दिखा के होता है ना कोर्ट में जाके, वो नहीं करवाना? अच्छा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैसेज आएगा 45 दिन बाद अपना लाइसेंस लेके ले जाना सब्जी मंडी थाने पे। सब्जी मंडी थाने में वहाँ से लेके आना पड़ेगा? आप लाइसेंस रख रहे हो मेरा, और सब्जी मंडी थाने से लेकर आना पड़ेगा 45 डेज बाद। ठीक है कोई नहीं, बाकी अगर अभी कोई पकड़े या कुछ करे तो ये दिखा दूं? बिल्कुल दिखा दीजिए, इस पापा का नंबर लिख दिया ये हमारे पास, इसमें सब कुछ लिख दिया हमने, अपना नाम नंबर फोन नंबर ठीक है, मिलेगा सब कुछ डिटेल लिख दी हमने अपनी इसमें। ठीक 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 सर एक बार बता दो ना 45 डेज बाद आज क्या तारीख हो गई? अभी इसमें लिख
लिखा हुआ है सब कुछ, हर चीज लिखी हुई है इसमें। ठीक है कि कितने करना पूरा, अब ब्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है चलो। हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाह रहा था एक बार ऐसा कुछ होना तो मैं देखूंगी कैसी होती है सारे प्रोसीजर। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ओके सर, नाइस हो गया। बिल्कुल ही नाइस सीन हो गया। शर्ट यार लाइसेंस रख लिया यार उन्होंने 45 डेज के लिए। यार एक बार पूछूं क्या, सर अब 45 डेज तक मैं स्कूटी नहीं चला सकता? चला सकते हो, लिख रखा है उसमें। अच्छा पर्ची दिखा दूँ? हाँ, पर्ची दिखा देना, ये नंबर उड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा इसकी फोटो कॉपी करवा लेता हूँ कि चलान हो रखा है। हाँ। बाकी ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई और पकड़ेगा तो वो कहेगी लाइसेंस नहीं है? और गलती मत करना दोबारा। नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं बाकी मेरे को यही पूछना था ना कि आगे पीछे जाना पड़ जाता है घर के काम से, लाइसेंस मेरे पे ही है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो सर मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, यहाँ से ट्रैफिक आया वहाँ से ट्रैफिक आया तो मेरे को रेड रेड दिखी नहीं, इसलिए आया कि आपकी लाइट रेड होती थी उनकी चल पड़ी वो। समझ गया बिल्कुल समझ गया। चलो ओके सर। बस यही डाउट था मेरा, लाइसेंस रख लिया कोई बात नहीं, चलान हो गया कोई बात नहीं, बस यही था कि लाइसेंस सिर्फ मेरे पास ही है घर पे, इन केस कहीं जाना पड़ जाता है तो कैसे करूँगा। कोई नहीं हो गया वो तो, खैर मेरे पे तो डिजी लॉकर पे भी अपना लाइसेंस पड़ा ही है, सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन है मेरे यहाँ तो वहाँ से मिलेगा मेरे को 45 डेज बाद लाइसेंस। मतलब कोई ऐसा इंसान देखा होगा तुमने जो रेड लाइट जंप कर दे और क्या कहते हैं उसका चलान हो जाए तो इतना खुश हो रहा हो। गाइस जो आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी ना, मैं उसको शूट कर रहा था तो बातें करते करते ना मेरा रेड लाइट पे ध्यान नहीं गया, और आपने उस वीडियो में देखा होगा दोनों साइड से ना मेरे टेम्पो आ रहे थे तो तब भी मेरा रेड लाइट पे ध्यान नहीं गया और ना मैं आगे पीछे देख पाया। अगर मैं सामने देख लेता कि पुलिस वाले हैं तो मैं रोक ही लेता, और यूजुअली वहाँ पे होते ही नहीं, वही है जब किस्मत ख़राब होती है तो जो होना होता हो ही जाता है। बस फिर वहाँ गया मैं, मेरे को रियलाइज़ ही नहीं था कि मैंने रेड लाइट तोड़ी है। उन्होंने मेरे को कहा कि आप अपना लाइसेंस दिखाओ, मैंने लाइसेंस दिखाया, लाइसेंस दिखाने के बाद ही जैसे उन्होंने बोला कि आपने रेड लाइट जंप करी है, मैंने कहा लो भाई हो गई दिक्कत। तो क्योंकि अगर मेरे को पता होता ना कि मैंने रेड लाइट जंप कर दी तो मैं उनको अपना लाइसेंस दिखाता ही नहीं, मैं फ़ोन में दिखा देता डिजी लॉकर में कि ये देख लो मेरा लाइसेंस, चलान करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने गलती से उनको अपना लाइसेंस ही दिखा दिया ना, मेरे को लगा कि रेगुलर चेकअप है तो मैंने लाइसेंस ही दिखा दिया ओरिजिनल, उन्होंने वो सबमिट ही कर लिया कि अब 45 डेज के बाद मिलेगा। चलो कोई नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस था, इससे यही सीखने को मिलता है कि ट्रैफिक लाइट्स को हमेशा फॉलो करो, नो मैटर रात के 3 बजे हो या सुबह के 11, जब आपकी किस्मत ख़राब होगी तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ ही लेंगे। बाकी गाइज अगर आप में से कोई एक्सपीरियंस्ड होगा ना चलान कटाने में, जिसका कटता रहता होगा चलान, तो एक बार मेरे को कमेंट में बता देना कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन अब तक तो मेरे में मैसेज आया नहीं और ऑनलाइन पेमेंट करने का, और वो जो उन्होंने स्लिप दी थी ना एक प्रिंट आउट की स्लिप दी थी उन्होंने, उसमें भी जो अमाउंट लिखा है ना वो 0 लिखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों। तो देखते हैं आगे का प्रोसेस। बाकी यही था इस व्लॉग में, अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और एक अच्छा सा कर देना कमेंट। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। महादेव महाकाल के सहारे होंगे सबके बार न्यारे, सान नहीं कर रहा कोई हम पे, जो कर रहा खुद कर रहा मैं अपने दम पे, बल नहीं दे रहा मुझे फंड, मत लग झूठे कर दूंगा झंड, ज्वाला हूँ मैं हूँ प्रचंड, नकली है तू फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, ये फितरत पाखंड तेरी, हाँ फितरत पाखंड तेरी बेटा, हाँ फितरत पाखंड तेरी। इतनी ठंड में उत्तराखंड में पूरा बंड में।